पिपराइच पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अरविंद उर्फ मोनू गौड़ पुत्र स्वर्गीय राम कवल गौड़ निवासी हरपुर मछागर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त अरविंद उर्फ मोनू गौड़ द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर सिंधावल चौराहे पर शराब की दुकान में शराब की चोरी की थी। तब से अरविंद उर्फ मोनू गौड़ तभी से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइच उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शिव प्रकाश सिंह, कांस्टेबल अमन सिंह, आकाश गौड़, आशीष मौर्य शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, का नामिया पकड़ा गया है। थाना पिपराइच प्रोवाइड निरीक्षक की टीम ने पकड़ा है इसको, मधुपनाथ मिश्रा जी के। इसका नाम है अरविंद उर्फ मोनू गौड़। इस पे मुकदमा अपराध संख्या 951/20 धारा 380-457-427 पिपराइच में ये वांछित था, और इसने इसको इस पे जो मुकदमा चलाया गया था उसमें सिद्धवाल चौराहे पे शराब की दुकान में शराब की चोरी की थी इसने। इसे 25,000 का इनाम था। इसको गिरफ्तार किया गया है आज और सुबह 5:20 पे इसको गिरफ्तार किया गया। सर, कोई आपराधिक इतिहास इसका? इसका आपराधिक इतिहास रहा है और 951/20 है थाना पिपराइच में, और अभी इसके पास से 1 अदद 315 बोर का तमंचा और 1 अदद कारतूस भी बरामद किया गया। 24/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिपराइच में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।